ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोथ्रू फाइन आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गोथ्रू फाइन आर्ट चैनल विजुअल आर्ट स्टूडेंट, फाइन आर्ट स्टूडेंट के लिए है और इसमें KVS, NTA NET, JRF, NVS इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी करवाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो एक बिग थम्सअप दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। और अगर आप हमारे वीडियो अपने फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अलग टॉपिक लेके आई हूँ, अलग तरीके से। तो सबसे पहले अगर आप DSSB PGT फाइन आर्ट के Part 3 नहीं देखें तो Part 3 देख लें। और ये जो आप देख रहे हैं थंबनेल, ये डिदारीगंज यक्षी रामपुर बाबुल लायन कैपिटल और नीचे वाले बुक हैं, ये बुक को पूरा पढ़ लें ताकि DSSB के एग्ज़ाम में आप जल्दी से पास हो जाएं। KG सुब्रमण्यम, MF हुसैन और अकबर वदमसी के ऊपर कुछ वीडियो बनाई थी, उसे चेकआउट कर लें। और आज मैं क्या बात करने वाली हूँ, जो आप वाइट कलर से लाइन देख रहे हैं, अतुल दोदिया, अंजू दोदिया, माधवी पारेख और मनु पारेख, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, अतुल दोदिया हैं और मालूम है कि अतुल दोदिया की वाइफ अंजू दोदिया हैं। तो ये अतुल दोदिया का काम है, जो आप काम देख रहे हैं गन लिए हुए और ग्लास में आप देख रहे हैं चश्मा में कि गांधी जी के पोर्ट्रेट दिखाई दे रही है। इस पेंटिंग का नाम है बॉम्बे बुचेनर, ऊपर लिखा हुआ है देखिए बॉम्बे बुचेनर, तो इस पेंटिंग का नाम है। तो आज हम पेंटिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ताकि पेंटिंग देख के अगर आप कीजिएगा तो NTA NET में आप लोग को मालूम है कि आजकल पेंटिंग दे दिए जाते हैं और उसके नाम पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं पेंटिंग भी आप लोग को करवा रही हूँ ताकि पेंटिंग देखते रहिएगा तो नाम याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अंजू दोदिया। अंजू दोदिया आपको मालूम है कि अतुल दोदिया की वाइफ है और ये पेंटिंग का नाम है पर्ल्स एंड लेडर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है अंजू दोदिया के। अंजू दोदिया सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी पढ़ाई की है, ये तो सभी जानते हैं, और मुंबई की रहने वाली हैं। ये भी अंजू दोदिया का काम है। दूसरा काम, इसका नाम है मिदास टच, मिदास टच, ये देखिए। और आपको मालूम है कि ये जो काम करती हैं इसमें इनका वाटर कलर, पेन एंड इंक, यानी कि मिक्स मीडिया में ये काम करती हैं और ये काम पेपर पर किया हुआ है। अच्छे से पेंटिंग को देखिए, पेंटिंग को रीड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पेंटिंग की ओर चल रहे हैं। आज जो भी मैं पेंटिंग आप लोगों को बताई हूँ ना, वो सारे कपल हैं, यानी कि जैसे कि अंजू दोदिया, अतुल दोदिया हस्बैंड वाइफ है, मनु पारेख, माधवी पारेख हस्बैंड वाइफ है। तो मनु पारेख की जो वाइफ है वो है माधवी पारेख, और मनु पारेख तो आप लोग को मालूम ही होगा कि बनारस को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। तो ये टेम्पल लाइट्स है, जो कि बनारस का लुक तो आप लोग देख रहे हैं, बनारस का ही सीन दिखाया गया है, तो ये मनु पारेख का काम है टेम्पल लाइट्स। मनु पारेख ने अपने ज़्यादातर काम सेरीग्राफी में किए हैं, ये भी सेरीग्राफ में है, और ये गुजरात के रहने वाले हैं, यानी कि इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। इनको ललित कला अकेडमी अवार्ड फेलोशिप मिला हुआ है, सदस्य भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ इनको पद्मश्री मिला था 1991 में। इनकी दूसरी पेंटिंग हम देख लेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है मनु पारेख की, उनका नाम है इवनिंग एट बनारस। ये पेंटिंग, हाँ, ये है इवनिंग एट बनारस। उन्होंने बनारस को लेके, मतलब पूरा बनारस उन्होंने अपने पेंटिंग में छाप दिए, और इनका कहना है कि ये जहाँ भी रहते हैं, जो भी सराउंडिंग इनको मिलती है उस पर लेके ये ज़्यादा काम करते हैं मनु पारेख। तो ये इनका दूसरा काम है जिसका वर्थ ₹35,000 है, और ये प्रिंट है, यानी कि सेरीग्राफ से इन्होंने काम किया है, तो प्रिंट के एडिशन होते हैं ये, तो ग्राफिक्स वाले को अच्छे तरह से मालूम होगा, फाइन आर्ट वाले को भी मालूम होगा। नेक्स्ट है माधवी पारेख। माधवी पारेख की थोड़ी बायोग्राफी मैं आपको दे देती हूँ। इनका भी जन्म गुजरात में हुआ था, और ये जो है एक सेल्फ ट्रेंड आर्टिस्ट है, यानी कि इसे इन्होंने कहीं से पेंटिंग सीखी नहीं है, ये सेल्फ ट्रेंड आर्टिस्ट है, और इन्होंने 1964 में जो है पेंटिंग करना स्टार्ट की है। कैसे? अपने हस्बैंड से ये बहुत प्रभावित हुई, इन्फ्लुएंस हुई, इंस्पायर हुई, और तभी से ये पेंटिंग करने लगी। और इनका ये पेंटिंग है इरडवन गेज, जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसका नाम है इरडवन गेज। अच्छे से पेंटिंग को वॉच कीजिए। इनके दूसरे पेंटिंग देख लेंगे माधवी पारेख की, ये देखिए,
ये पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आया है। नेक्स्ट पेंटिंग देख लेंगे, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट पेंटिंग देखने से पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डीएसएसबी पीजीटी के पार्ट वन में अपलोड की थी, जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ बौद्ध चित्रकला के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाई थी, उसे देख लीजिएगा। ये पेंटिंग का टाइटल है भक्ता, जो कि माधवी पारेख के द्वारा बनाया गया है। देखिए एक सामने में ह्यूमेन फेस देख रहा है, इसे ही हम भक्त कह रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं चार आर्टिस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बात की हूँ। ये भी माधवी पारेख का काम है, इनका नाम है वर्ल्ड ऑफ मैजिशियन, टाइटल है एक्रेलिक ऑन कैनवास है और 2004 में हुआ है। पारेख वर्क्स ड्रॉज फ्रॉम फोक आर्ट वाइल रिटेनिंग इन डिस्टिंक्टिव स्टाइल, यानी कि माधवी पारेख जो है अपने काम में फोक आर्ट अर्बन लाइफ को बहुत ज़्यादा दिखाई हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो जल्दी से गोथ्रू फाइन आर्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये एक वीडियो बनाई थी पहाड़गढ़ रायगढ़ भीमबेटका होशंगाबाद, ये सारे ही जो क्वेश्चंस है आपको डीएसएसबी एनटीए नेट केवीएस एनवीएस यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी में बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ गोथ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस।